हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जान लेते हैं भारत में बंधुआ मजदूरी के बारे में। ये आपका एडिटोरियल भारत में बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। तो करेंगे बात करेंगे इसमें कि क्या होता है आखिर आपका बंधुआ मजदूरी। भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई उसे भी देख लेंगे। बंधुआ मजदूरी का स्वरूप क्या है, आधुनिक दासता क्या है, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। बंधुआ मजदूरी के कारण आखिर क्या है उसे भी देख लेंगे। बंधुआ मजदूरी से निपटने में हमारी सरकार ने क्या प्रयास किए हैं अभी तक उसे भी देख लेंगे। और बंधुआ मजदूरी को दूर करने में आखिर चुनौतियां क्या क्या आ रही हैं उन्हें भी देख लेंगे। बंधुआ मजदूरी के निवारण में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या रहे हैं उसे भी हम लोग देख लेंगे। यानी कि सभी पक्षों पर हम लोग बात कर लेंगे। कुछ दिन पूर्व ही बंगलोर में घटित एक घटना ने बरबस ही अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। यह घटना बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। एक गैर सरकारी संगठन अंतर्राष्ट्रीय न्याय मिशन के अनुसार उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को उनकी इच्छा के विरुद्ध गैर कानूनी रूप से बंधक बनाकर उनसे कार्य कराया जा रहा था। सामान्यतः भारत में बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी है और पूर्णतः प्रतिबंधित है, परंतु हमें अक्सर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। वर्तमान में बंधुआ मजदूरी का एक नया प्रारूप देखने को मिल रहा है। सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस नए प्रारूप को आधुनिक दासता की संज्ञा दी है। वैश्विक दासता सूचकांक 2018 के अनुसार भारत में 18 मिलियन लोग आधुनिक दासता में जकड़े हुए हैं। अब बात करते हैं आखिर ये है क्या, बंधुआ बंधुआ मजदूरी आखिर है क्या। ऐसा व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है बंधुआ मजदूर कहलाता है। इसे अनुबंध श्रमिक या फिर बंधक मजदूर भी कहते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बंधुआ मजदूरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनवरत रूप से चलती रहती है। इससे श्रमिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों को बंधुआ मजदूरी कहा जाता है। सामान्यतः ऋण के भुगतान के साधन के रूप में बंधुआ मजदूर की मांग की जाती है। सूक्ष्मता से इसका विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि वास्तव में इस अमानवीय प्रथा को आवेदनिक श्रम का लाभ उठाने के लिए एक चाल के रूप में शोषणकारी जमींदारों और साहूकारों द्वारा इसका प्रयोग किया गया है। क्या है कि इस तरह की पता है आज से आजाद जब हमारा भारत हुआ उसके कई सालों बाद तक भी बंधुआ मजदूरी बड़े स्तर पर चलती आई। अब काफी हद तक सीमित है फिर भी कई जगह देखने को मिल रही है। पहले क्या हुआ करता था कि आपके यहाँ जो जमींदार हैं साहूकार होते थे ये बंधुआ मजदूरी ज्यादा करवाते थे। कई पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिक रहती थी, मतलब उनके बच्चे भी बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं आपके अलग लगे हुए हैं साहूकारों या जमींदारों के यहाँ। फिर उनके बच्चे आने के बाद उनके बच्चे भी लगे रहते, तब तक कर्ज यानी कि जो ऋण होता था उनका नहीं चुक पाता था। बात करते हैं हम लोग भारत में बंधुआ मजदूरी की व्यवस्था की उत्पत्ति। भारत में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था की उत्पत्ति देश की विशेष सामाजिक आर्थिक संस्कृति के कारण हुई है। भारत में प्रचलित विभिन्न अन्य सामाजिक बुराइयों की तरह बंधुआ मजदूरी भी हमारे वर्ण व्यवस्था की एक उपशाखा है। समाज में कमजोर आर्थिक और सामाजिक स्थिति होने के कारण अनुसूचित जातिवाद जनजाति के लोगों को गांव में जमींदार या साहूकारों ने अपने श्रम को नाममात्र के वेतन या बिना किसी वेतन के बेचने को मजबूर करते हैं। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि बंदोबस्त व्यवस्था ने बंधुआ मजदूरी को आधार प्रदान किया। अंग्रेजों ने भू राजस्व की शोषणकारी व्यवस्था को इस प्रकार अपनाया कि अपनी भूमि पर खेती करने वाला किसान अब स्वयं उसका किराएदार हो गया। निर्धारित समय पर भू राजस्व ना चुका पाने पर वह बंधुआ मजदूरी करने के लिए विवश हुआ। बात करते हैं बंधुआ मजदूरी का स्वरूप।
बंधुआ मजदूरी का सबसे अधिक पिछले पिछलन कृषि क्षेत्र में है। परंपरागत रूप से भूमि का स्वामित्व उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले लोगों के पास होता था, या अभी भी अधिकतर उन्हीं के पास है, जबकि निम्न सामाजिक और आर्थिक स्तर वाले लोगों के पास भूमि बहुत कम या फिर ना के बराबर होती है। परिणाम स्वरूप ऐसे लोगों को विवश होकर बंधुआ मजदूर के रूप में दूसरों के खेतों में कार्य करना पड़ता है। वस्तुतः बंधुआ मजदूरी केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि शहरों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनन, माचिस निर्माण की फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे आदि क्षेत्रों में भी व्यापक रूप में फैली हुई है। शहरों में प्रवासी मजदूरों को अपने श्रम को बहुत कम या फिर बिना वेतन के बेचने को मजबूर होना पड़ता है। शहरों में छोटे स्तर की इकाइयां जैसे पटाखे निर्माण की फैक्ट्रियां, टेक्सटाइल उद्योग, चमड़ा उद्योग, चाय की दुकानों, होटलों, ढाबों आदि में तमाम प्रवासी मजदूर काम करते हुए दिख जाते हैं। इतना ही नहीं, समय के साथ बंधुआ मजदूरी ने अपना रूप परिष्कृत कर लिया है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा आधुनिक दासता की संज्ञा दी गई है। बात करते हैं आधुनिक दासता की। आधुनिक दासता शब्द को किसी कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। यह शोषणकारी प्रकृति की स्थितियों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है, जिसमें कोई व्यक्ति धमकी, हिंसा, धोखा और शक्ति के दुरुपयोग के कारण किसी नियोजित कार्य को छोड़ या फिर मना नहीं कर सकता है। आधुनिक दासता में श्रम, ऋणबंधन और मानव तस्करी जैसे शोषणकारी कार्य शामिल हैं। विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में H-1B वीजा नीति को आधुनिक दासता का एक उदाहरण माना है। अब हम लोग बात करते हैं बंधुआ मजदूरी के कारण, आर्थिक कारण। आधारभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की पूर्ति ना होना पाना। कृषि प्रधान देश होने के बावजूद सभी के पास जीवन निर्वाह योग्य भूमि का ना होना। आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आय का मुख्य स्रोत वन उत्पाद होते हैं। उपलब्ध वन उत्पादों की कीमत का कम होना, बाढ़ व सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं का आना, मुद्रास्फीति के कारण निरंतर कीमतों का उच्च पाया जाना। अगर हम लोग सामाजिक कारणों की बात करें तो अशिक्षा व साधनहीनता के कारण श्रमिकों का ऋण जाल में फंस जाना, बेहतर जीवन जीवन जीने की इच्छा के कारण बिना किसी ठोस रणनीति के शहरों की ओर प्रवास, जैसे ऐसे प्रवासी लोगों को सेवा आयोजक की मनमानी शर्तों को मानने के लिए विवश होना पड़ता है। कार्य कुशलता व दक्षता का अभाव भी बंधुआ मजदूरी का कारण बनता है। अगर हम लोग धार्मिक कारण की बात करें तो वर्ण और जाति व्यवस्था की संस्कृति का विद्यमान होना। अब हम लोग बात करते हैं बंधुआ मजदूरी से निपटने के सरकार के क्या प्रयास रहे हैं अभी तक। संविधानिक रक्षोपाय, अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या फिर उनकी पसंद का रोजगार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 21 यानी कि 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। बंधुआ मजदूरी की प्रथा सभी संवैधानिक रूप से अनिवार्य अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 23 यानी कि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीतिगत तत्वों का उपलब्ध बंद करता है। याद रखिए, अगर आपका कहीं ऐसे पूछा जाता है यानी कि निबंध या फिर आंसर राइटिंग कहीं, तो ये प्रावधान डाल दिया करिएगा अनुच्छेद, क्योंकि एक आपका आंसर या ऐसे प्रभावशाली हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, देखने में अच्छा लगने लगता है, समझ जाता है चेक करने वाला कॉपी कि बच्चे को ज्यादा ही नॉलेज है। ठीक है, तो इन प्रावधानों को याद रखा करिएगा। अगर हम लोग विधिक रक्षोपाय की बात करें
तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 मजदूरों को भुगतान की जाने वाली मजदूरों की मानक राशि निर्धारित करता है। अधिनियम में श्रमिकों के लिए निर्धारित समय सीमा भी शामिल है, जिसमें श्रमिकों के लिए अतिरिक्त समय, मध्यावधि अवकाश अवकाश और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। संविदा श्रम विनिमय और उन्मूलन अधिनियम 1970 को बेहतर काम की परिस्थितियों को लागू करने और संविदा मजदूरों के खिलाफ के शोषण को कम करने के लिए लागू किया गया। अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार सेवा के विनियमन और रोजगार की स्थिति अधिनियम 1979 भारतीय श्रम कानून में अंतर्राज्यीय मजदूरों की कामकाजी स्थितियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 370 के तहत गैर कानूनी श्रम अनिवार्य रूप से निषिद्ध है। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2016 बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध आरोपित करता है। कुछ विशेष रोजगारों में बच्चों के कार्य की दशाओं को नियंत्रित करता है। मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा और पुनर्वास अधिनियम 2018 इसमें सरकार ने तस्करी के सभी रूपों को नए सिरे से परिभाषित किया है। ये जो विधिक रक्ष उपाय हैं इन्हें भी आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेता है आपका। योजनाओं के द्वारा रक्ष उपाय की बात करें हम लोग तो बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 इस योजना के तहत बंधुआ मजदूर मजदूरी से मुक्त किए गए वयस्क पुरुषों को 1,00,000 रुपये तथा बाल बंधुआ मजदूरों और महिला बंधुआ मजदूरों को 2,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। साथ ही योजना के तहत प्रत्येक राज्य को इस संबंध में सर्वेक्षण के लिए स्पीति जिला 4.50 यानी कि 4.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उज्ज्वला योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। यह योजना मानव तस्करी की शिकार महिलाओं के लिए आश्रय और पुनर्वास प्रदान करती है। अगर हम लोग बंधुआ मजदूरी को दूर करने में जो चुनौतियां हैं जो समस्याएं आती हैं उनकी बात करें तो इन समस्याओं में शामिल है आपका गरीबी का सटीक सर्वेक्षण ना हो पाना। वर्ष 1978 के बाद से किसी भी प्रकार का सरकार के नेतृत्व वाली देशव्यापी सर्वेक्षण नहीं हुआ है, जो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन में एक बड़ी रुकावट है। आंकड़ों की अनुपलब्धता, बंधुआ श्रम पर सरकारी आंकड़े बचाव और पुनर्वास संख्या पर आधारित हैं। इस तरह के आंकड़े भारत में बंधुआ श्रम की व्यापकता को ठीक से नहीं दर्शाते। मामलों की अंडर रिपोर्टिंग, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2017 के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी मामले पुलिस द्वारा रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। बस 2014 से 2016 के बीच सिर्फ 290 पुलिस केस दर्ज किए गए, जिसमें कुल 1338 व्यक्ति पीड़ित पाए गए। कानून का लचर कार्यान्वयन, लचर कानून परिवर्तन के कारण भारत में बंधुआ मजदूरी एक समस्या बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि बंधुआ मजदूरी मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए जिला स्तरीय सतर्कता समितियां अपने कर्तव्यों को गंभीरता से नहीं ले रही। श्रमिकों के बीच जागरूकता की कमी, बंधुआ मजदूरों को श्रम कानून के बारे में पता नहीं होता है। वे प्रशासन को केवल तभी सूचना देते हैं जब उनका अत्यधिक शोषण हो जाता है। पुनर्वास की समस्या, बाल श्रमिकों को सहित बंधुआ मजदूरों के बचाव और पुनर्वास की व्यवहारिक चुनौतियां हैं। इनमें पर्याप्त सुदृढ़ीकरण सेवाएं, मानव और वित्तीय संसाधनों की कमी, सीमित संगठनात्मक जवाबदेही और गैर सरकारी संगठनों के बीच संवाद की कमी। अगर हम लोग बात करें बंधुआ मजदूरी के निवारण में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या रहे हैं बंधुआ मजदूरी
को हटाने में, ठीक, इसके खिलाफ दास व्यापार और दासता उन्मूलन कन्वेंशन 1926 का उद्देश्य दासता और दास व्यापार की उन्मूलन की पुष्टि करना। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966 दासता और दास व्यापार के सभी रूपों यथा वंशानुगत सेवा या फिर बलपूर्वक या अनिवार्य श्रम सभी को प्रतिबंधित करता है। बच्चों के अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित कर उन्हें आर्थिक शोषण से बचाता है। बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन वर्ष 2017 में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दो प्रमुख कन्वेंशन का अनुमोदन किया है। कन्वेंशन 138 रोजगार हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण, कन्वेंशन 182 बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों यथा बाल दासता बच्चों को बेचने, उनकी तस्करी करने, बंधुआ मजदूर बनाने सशक्त समूह में बलपूर्वक भर्ती करने, बाल वेश्यावृत्ति या फिर अश्लील गतिविधियों में उनके अनुचित इस्तेमाल, नशीली पदार्थों की तस्करी जैसे गृहित कृत्यों में उनके उपयोग, अन्य जोखिम भरे कार्यों विशेषकर ऐसे कार्यों में जिनमें बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा तथा नैतिकता को नुकसान पहुंचता है को पूर्णतः प्रतिबंधित करना है। सतत विकास लक्ष्य 8 सतत विकास लक्ष्य 8.7 वर्ष 2025 तक बंधुआ मजदूरी आधुनिक दासता बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों के उन्मूलन हेतु प्रभावी उपाय करने पर बल देता है। बात करते हैं आगे की राय क्या हो सकती है इसमें। सरकार द्वारा समय समय पर सर्वेक्षण करके बंधुआ मजदूरों का एक डेटाबेस बनाने की ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। अंतरराज्य समन्वय तंत्र की आवश्यकता है ताकि प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यस्थल में सुधार कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सकता है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। इसके अलावा बंधुआ मजदूरी के मामलों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों में निपटाया जाना चाहिए और मजदूरों को न्याय प्रदान किया जाना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को आपके जवाब मिल गए होंगे इसमें, जो भी आपकी बंधुआ मजदूरी से संबंधित। ठीक।